बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बड़े दिनों के बाद व्लॉग बनाने जा रहा हूँ और व्लॉग इंशाल्लाह बड़ा मज़े का होगा। वो किस लिहाज से मज़े का होगा कि आपको कुछ मैंटेलिटी आपको बतानी है कि आपको पता है 5 अक्टूबर के बाद इटली मैसी की जो है वो अपॉइंटमेंट का सिलसिला सारे का सारा चेंज हो गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद वाया काल जो है वो अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है। मीन वाइल जैसे ही ये तरीकाकार चेंज हुआ तो उसके बाद लोगों का मुझसे रब्ता हुआ, लोग मुझसे सिर्फ यही क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि जब हमारी कॉल कनेक्ट हो जाए मैसेज में तो हमें वो क्या क्वेश्चन करते हैं, वो क्या आंसर करते हैं। मैंने बेशुमार लोगों को इन रिटर्न में बताता रहा कि सिंपल से आपसे बायोडाटा वगैरह पूछेंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली ना करके बताएं तो उन्हें समझ नहीं आती। तो वो फिर मैंने एक वीडियो बनाई, प्रोटोटाइप वीडियो बनाई, जिसके अंदर मैंने बताया कि जो कि एक कॉल कनेक्ट होती है मैसेज में और वो कन्वर्सेशन के दौरान वो सारे का सारा मेरा डाटा पूछती है। मैं डाटा वगैरह बताता हूँ, नाम, गिवन नेम, पासपोर्ट, CNSE नंबर, उसके बाद फ़ोन नंबर और ईमेल, सिर्फ सिंपल सी 4 चीज़ें पूछती हैं, वो मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद मेरे देखने वालों जो आम आवाम है उनको तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको आइडिया हो गया कि जब हमारी कॉल कनेक्ट होगी तो हमें क्या क्या बातें प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। मीनवाइल जो सो कॉल्ड सोशलिस्ट और मीडिया पर्सन और कंसल्टेंट है उनको घबराहट स्टार्ट होगी कि इसने तो बिल्कुल करेक्ट करेक्ट सी चीज़ें बता दी हैं कि आवाम को पता चल गया कि ये सवाल जवाब होंगे। ऑन द अदर हैंड जब भी आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो वो आपको बड़ा पहले डराता है और इवन कि यहाँ तक ले जाते हैं कि आपकी तो बात ही नहीं हो सकती, वो इटालियन में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे। तो मैंने सिंपल सा एक प्रोटोटाइप इस वजह से बनाया था कि आम आवाम को पता चल जाए, जो हमारी सिस्टर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, उन्हें पता चल जाए कि उर्दू में आंसर एंड क्वेश्चनिंग होती है और उर्दू में होने के साथ साथ सिंपल सी चीज़ें वो पूछते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को भी फ़ायदा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो जो जिन्होंने अर्निंग वगैरह करनी थी इस काम से तो उनको बड़ा डिसहार्ट हुए कि यार इसने क्यों सही सही सी बातें बता दिया। देखिए किसी का भी कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, ठीक हो गया। जो चीज़ आपने लेनी है, जो चीज़ आपके नसीब में, वो आपको मिलनी ही मिलनी है। 1.5-1.75 लाख लोगों को मेरी उस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, तो चलो ठीक है, 4-5 लोगों को नुकसान हुआ होगा, वो इस बात से हुआ होगा कि उन्होंने अपने क्लाइंट वगैरह को बोला होगा कि वहाँ पर वो तो बात करना ही बड़ा इशू है, बहुत प्रॉब्लम है। देखिए डर, जब आप किसी के अंदर डर पैदा कर देते हो तो उसी के बाद आप कमाइयाँ करते हो। तो बीच में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मेरे क्रिटिसिज्म पर वीडियोज़ आई हैं, लेकिन मैंने सबको इग्नोर मारा और मैं बड़ा हंसा हूँ कि खैर है यार, टेंशन ना लो, ये चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ पर एक वीडियो ने अच्छी खासी अवेयरनेस लोगों को दे दी है तो बीच में कुछ तो लोग होंगे जो मुखालफीन में से होंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। देखिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एज अ प्रोफेशनल अगर देखा जाए, अगर आप हमारे ऑफिस में विजिट करते हो, हमें हायर करते हो फाइल प्रोसेसिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उसकी डेफिनेटली हमने उस चीज़ से अर्निंग करनी ही करनी है। तो यहाँ पर वीडियोस का तो एक आप कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिस तरह की मर्ज़ी आप तहजीब के दायरे में रहते हुए अपनी एहसास, अपने जो ख्वाहिशात है उसका इजहार कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।